पटना के अगमकुआं थाने में कुम्हारर में ग्वाल टोली में मामा भांजे पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले के दौरान मामा की पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, तो वहीं दरिंदों ने भांजे को भी मार मार कर अधमरा कर दिया। हालांकि भांजा किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से भागने में सफल रहा है। मृतक की पहचान 27 साल अमित कुमार उर्फ गोलू के तौर पर की गई है। तो वहीं इस हमले में जख्मी श्रीकांत कुमार का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन के मामले में बदमाशों ने गोलू की पीट पीट कर हत्या की है। गोलू ऑटो चलाकर जीविकोपार्जन करता था। मृतक के परिजन ने कहा कि छोटू और कल्लू ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया है। तो क्या हुआ था? हम और मामा दोनों जा रहे थे, आए थे मामा कन घूमने घूमने के लिए, वापस जा रहे थे मामा से मिलके। तो एक मोर है, मोर पे एक अपाची और एक पल्सर और एक अल्टो गाड़ी था लाल कलर का, आया और एकदम से हम लोग को पकड़ा और पकड़ के वहीं पे मारा। उसके बाद गाड़ी में बैठाया और लेके आ गया इधर कुम्हरार, उधर उधर लेके गया रूम में और रूम में मारने लगा हम लोग को। हम लोग मारने में मारा था, बेल्ट से मारा और ये अपना बैट था वायर था और मार इतना मार मारा उसको कि वो नमक और वो बैटरी का पानी होता है ना, वो छीट छीट के मारा है। कमरे में मारा था? कमरे में मारा था। रूम था जी सर? कितना लोग हुआ रूम में? रूम में टोटल 12 आदमी हुए। कहाँ पर था, कहाँ पर मारा था? बजरंगपुरी में कहाँ मारा था? बजरंगपुरी में नहीं, कुम्हरार में लाया गया। बजरंगपुरी से उठाया कुम्हरार, फिर लेके आया कुम्हरार, फिर उधर। तो वही मृतक के परिजनों ने बताया कि छोटू और कल्लू अगमकुआं थाने का कुख्यात बदमाश है, इसलिए पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कल्लू और छोटू दोनों भाई हुआ। अच्छा, ये लोग तो पुराना मुजरिम है, ये अगमकुआं थाना भी लोग जान रहा है, ऐसा बात नहीं कि थाना वाला भी ले गया तो ऊपर जा पर अभी तक केस मतलब नहीं लिया गया है। बोला गया कि केस लीजिए, आवेदन लीजिए और थाना में जाइए, थाना में गए तो कोई नहीं, और अभी भी दारू बेच रहा है, केस का है। तो आवेदन हम लोग जब बोले कि रोड जाम करेंगे तब जाके फिर साथ में यहाँ आए और वहाँ कुम्हरार गए रात में। तो मारने के बाद में कोई रहता है, ये लोग फोन अपने कर दिए। सवेरे बोला गाड़ी है, दो चक्का गाड़ी भी वहाँ देखा गया, वहाँ बंद करना चाहिए, उसको घेरना चाहिए, वो भी नहीं काम किया। सब वहाँ रड, लाठी, गैस, चाकू। क्या चीज से मारा गया? रड, लाठी, चाकू और तार, नमक छिट छिट के। दो लोग को अपहरण किया गया था? नहीं, गोली वोली नहीं। दो लोग का अपहरण किया गया था? अच्छा, आपका कौन लगता है? मेरा भाई हुआ। क्या नाम था? अमित और गोलू नाम। वही मृतक के परिजन ने बताया कि गाड़ी भी छोटू और कल्लू के पास बंधक लगा दिया था। आधी उधारी लेने पर दरिंदों ने अमित की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अपराधियों की मदद कर रही है। कि कोई उधार लेगा तो उसको जान मार देगा, पैसा नहीं लीजिएगा उसका, कि इस तरह से जान मारिएगा एकदम कलटा के, उसे दुश्मन भी नहीं मारता है जैसे करके मारा है। और पैसा लिए तो सहूलियत करता, गार्जियन के फोन करता कि हम ले, जब वो लड़का गलत रहता तो आप उसको चेक भर के हम लोग देते हैं, नहीं देते। एगो गाड़ी दे दिया कि आप बंदूक में रखिए, गाड़ी गया, फिर उसको नकदी भी पैसा दिया और चेक भी दिया कि उसको छोड़ दीजिए। जब वो लड़का गलत रहता हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं करते। आप लोग रहने वाले कहाँ के? हम लोग नवादा जिला के हैं। पटन देवी ससुराल हुआ जी। ये आपका ये बहन है? आपके कौन थे जिनके मौत हुई है? छोटा भाई था। क्या नाम? किसी का उधार दुनिया लेता है, बड़का से बड़का आदमी बिजनेसमैन उधार लेता है, इसका मतलब कि किसी को अब जान मार। प्रशासन, प्रशासन की क्या भूमिका? प्रशासन की क्या भूमिका है? प्रशासन कुछ करेगा? रात में हम बोले तो बोला कि नहीं सवेरे होगा ना, तो एसपी आएगा, डीएसपी आएगा, फल्ला आएगा, चिल्ला आएगा, अली जी सब अपना अपना चल गया। हम अंदर जब बॉडी कर दिया, बॉडी करके आए, वो कुत्तो नजर नहीं आ रहा, सब चल गया अंदर। आज जब अंदर नहीं गया था ना, जब तक घेर ले था कहीं नहीं, लोग बॉडी लेकर भाग जाए। इस पूरे कांड में पटना पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर पुलिस इंसाफ नहीं दिलाएगी तो आम आदमी जनता के पास क्या रास्ता बचेगा? छोटू और कल्लू जैसे अपराधी समाज के दुश्मन हैं, इसलिए उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।